नाम होगा मूविंग टू गंगोत्री, क्योंकि आप शुरू तो किए थे गंगोत्री से, आप नीचे उतरे और आप गंगा बन गए और गंगा मैली हो गई। और मैली कैसे हो गई, मतलब आप उस गंगा में हैं जहां पर कूड़ा कटकट ये वो प्लास्टिक का ये मतलब बाटली ये वो, मतलब आप मैले हो गए हैं और हर दिन आपको मैला किया जा रहा है, आप प्योरिटी से हटते जा रहे हैं और इसकी वजह से आपका प्रोडक्टिविटी खलास होता जा रहा है। तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसको 3S बोलता हूं। आप इतना मैला हो चुका है कि आपका 3S मिसिंग हो गया, सेंस सेंसिटिविटीज एंड सेंसिबिलिटीज। आपको एक एक पूरा मार्केट का एक सेंस होना चाहिए, लेकिन मैली गंगा सेंस नहीं कर पा रही। मैं गंगा बन गया, मैं सेंस नहीं कर पा रहा और मैं सेंसिटिव नहीं हूं जो चीजें हो रही है, और मेरी सेंसिबिलिटीज भी चली गई है। एंटरप्रेन्योरशिप यू नो बड़ी बड़ी भयानक एक एक्सपीरियंस अगर आपने सेंस और सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटीज को गवा दिया ना, ये एक पनिशमेंट हो जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप एक पनिशमेंट हो जाएगा, दुनिया आपको दौड़ाएगी। हाँ, मतलब या तो एंटरप्रेन्योरशिप के सभी पनिशमेंट्स आप लीजिए, या एंटरप्रेन्योरशिप का सभी फ्रीडम और लिबरेशन का एंजॉय कीजिए, पवित्रता का आनंद लीजिए। मतलब एंटरप्रेन्योर वो होना चाहिए जो सुबह उठता है बोलता है मुझे ऑफिस जाना, मुझे लोगों से मिलना है, मुझे नया प्रोडक्ट बनाना है, मुझे नया मेरे को नया कोलैबोरेशन करना है, मुझे नई फैक्ट्री डालना है और मेरा इतना बढ़िया हो रहा, काम इतना बढ़िया हो रहा, प्रॉफिट इतना बढ़िया हो रहा, स्पीड इतना बढ़िया हो रहा, प्रोडक्टिविटी इतना बढ़िया हो रहा, कॉस्ट इतना कम हो रहा, सब कुछ इतना बढ़िया है, वो सुखी है, मैं अपने बीवी के साथ वक्त बिता पा रहा हूं, मैं बच्चों के साथ वक्त बिता पा रहा हूं, मैं हेल्थ के लिए टाइम दे पा रहा हूं, मैं रिश्तों के लिए टाइम दे पा रहा हूं, मैं दोस्तों के लिए टाइम दे पा रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, मैं इतना आनंदित हूं, मैं इतना खुश हूं, मैं इतना मग्न हूं, मैं इतना दीवाना हूं और इतना पागल हूं और इतना एनर्जी में हूं, इतना लुफ्त में हूं, इतना जुनून में हूं। ये है एक्चुअली एक एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन इसका सेंस और सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटी, आदमी जब गंगोत्री में चला जाता है, ये गंगा में चला जाता है सॉरी, तो वो खलास हो जाता, उसे दिखता नहीं हो मैला कीचड़ वाला पानी में हम बैठे हुए हैं। और मैला और कीचड़ का मतलब है कि हमारे आजू बाजू में हम किसको सराउंड करके बैठे हुए, सही आदमी लोग को लेके बैठे हुए हैं, सही सिस्टम को लेके बैठे हैं, सही प्रोसेसेस को लेके बैठे हैं, सही विचारधारा को लेके बैठे हैं, सही अलाइंड पीपल को लेके बैठे हैं, कि हच पॉच कुछ भी एक टीम बना के बस लेके दौड़ रहे हैं। और जब ऐसा होता है, सेंस भी चला जाता है, सेंसिटिविटी भी चला जाता है, सेंसिबिलिटी भी चला जाता है। और इसीलिए हमारे को 5 तरीके से हमारे दिन को डिवाइड करना है, 5 तरीके से हमें अपना दिन को डिवाइड करना है। पहला वाला दिन है मनन, उसके बाद है रमन, उसके बाद है श्रमण, उसके बाद है आक्रमण और उसके बाद है गमन। और ये दिन क्या है, ऐसे दिन हमें क्यों डिवाइड करना है, ये सब सीखने वाले हैं हम लोग। वहाँ पर आएंगे तो फिर आप बनेंगे चीफ एनर्जी ऑफिसर, और तब बनेगा आप चीफ वैल्यू क्रिएशन ऑफिसर, मतलब लगातार आप वैल्यू क्रिएट करते रहेंगे, इतना वैल्यू क्रिएट करते रहेंगे कि लोगों को लगातार आपकी वजह से डायरेक्शन मिलता रहेगा, लगातार लोगों को कॉन्फिडेंस मिलता रहेगा, लगातार उनकी काबिलियत और क्षमता बढ़ती रहेगी। ऐसा एक ऑफिसर आप बनेंगे और आप फिर चीफ प्रोडक्टिविटी ऑफिसर और भी सुंदर प्रोडक्टिव ऑफिसर आप बनेंगे, और वहाँ पर हम लोग आपका कैलेंडर बनाएंगे और इस तरह से आपको इसके अंदर सेट करने वाले हैं, ऐसा मेरा मानना है।